नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। यहाँ आज ये डबल हेडर का दूसरा मुकाबला है जो कि खेला जा रहा है बेंगलोर और दिल्ली के बीच में। तो आज हम यहाँ पे इसी मैच का यहाँ पे प्रेडिक्शन करने वाले हैं। माई लेवल सकल हम यहाँ पे टीम बनाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम टीम बना लेते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं लाइनअप किस प्रकार से रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास इस तरह का यहाँ पे प्लेयर ऑप्शन आप शो कर जाएगा। तो यहाँ पे हम जानेंगे कौन कौन से प्लेयर को अपनी टीम में आपको रखना है, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सबसे पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर हम इंपॉर्टेंट प्लेयर की, तो यहाँ पे अगर हम आरसीबी की बात करें तो यहाँ पे विराट कोहली आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। प्लेसेस जो है आप चाहे तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हो, अगर चाहो अपनी टीम में रखना है तो आप रख भी सकते हो, लेकिन आज के मैच में प्लेसेस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ये जो मेरा प्रिडिक्शन है। वहीं अगर हम बात करें विल जैक्स आपके ऑप्शन हो सकते हैं आरसीबी से, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल को हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, सिराज, ये यहाँ पे आरसीबी से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। वह अगर हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, यहाँ पे फ्रेशर मैगर ने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी और इस आईपीएल में भी फ्रेशर मैगर ने बढ़िया बल्लेबाजी किया है, तो ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। पृथ्वी शाह ऑप्शन हो सकते हैं, अभिषेक पोरेल, साई होप का चांस है कि आज के मैच में साई होप को ड्रॉप करके यहाँ पर डेविड वार्नर को सेलेक्ट किया जा सकता है। साई होप कुछ चेंज कर सकते हैं, अक्षर पटेल बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपके यहाँ पे, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी ऑप्शन हो सकते हैं अक्षर पटेल, टेस्टर सब अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि लोअर डाउन बल्लेबाजी करते हैं लेकिन अगर आप देखोगे तो एक दो विकेट जल्दी गिरता है तो टेस्टर से बल्लेबाजी जल्दी आ सकती है। गुलबुद्दीन नईब को यहाँ पे ये भी अच्छे ऑप्शन है, या अगला आप यहाँ पे कुलदीप यादव, तो ये हमारे अच्छे ऑप्शन है जो आज के मैच में हम यहाँ पे इनमें से ही प्लेयर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम टीम पिक चलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कैसा पिच रिपोर्ट है, क्या वहाँ का वेदर रिपोर्ट है, कैसा शो कर रहा है, वेन्यू विन सब कुछ यहाँ पर डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो मैच हो रहा है कौन से वेन्यू पर रहा है, चेन्नई स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ये होम ग्राउंड रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट की तो यह बैटिंग पिचर पेसर्स की यहाँ पर ज़्यादा मदद मिलेगा। एवरेज रन स्कोर की बात करें दोस्तों यहाँ पर बताते हैं जो भी एवरेज रन स्कोर है 195 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज रन स्कोर शो कर रहा है, वहीं 186 का सेकेंड इनिंग का। तो बताते हैं कि जो भी यहाँ पे स्कोर आएंगे वो आपको लगभग क्या है जो स्कोर आने वाले हैं 200-210 के आसपास आने वाला है। वही अगर हम बात करें कि सेकेंड जो बैटिंग करेगी वो इजीली इस टारगेट को चेस भी कर सकती है, हाई स्कोरिंग गेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे कि पिछले कुछ मैचों में आपने देखने को मिला है दिल्ली वाले मैचों में, दिल्ली और आरसीबी ने भी अच्छा खेल दिखाया है पिछले कुछ मैचों में। वह अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने भी शानदार प्रदर्शन किया है पिछले कुछ मैचों में। तो अगर आप बात करें दोनों टीमों का यहाँ पर पॉइंट टेबल का अगर आप देखोगे तो आरसीबी और दिल्ली दोनों के लिए मस्ट विन गेम रहने वाला है। दोनों टीम में से अगर जो भी टीम मैच जीतती है तो वो प्लेऑफ्स के जो सिनेरियो है प्लेऑफ्स के क्वालिफिकेशन के लिए बने रहेंगे, लेकिन आज के मैच में अगर जो टीम हारती है तो प्लेऑफ्स के लिए, अगर आरसीबी आज का मैच हारती है तो प्लेऑफ्स से नॉक्ड आउट हो जाएगी, वहीं अगर दिल्ली हारती है तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि कौन सी टीम किस तरह से परफॉर्म करेगी, कौन सी टीम जीतेगी हारेगी उसके बिहाफ के इनका प्लेऑफ सिनेरियो बनेगा। तो मस्ट विन गेम रहने वाला है दोनों टीमों के लिए। वहीं अगर हम बात करें टॉप बैटर्स में तो यहाँ पे विराट कोहली और महिपाल लोमरोर यहाँ पे दिखेंगे आपको बेंगलुरु की तरफ से, हालांकि महिपाल लोमरोर टीम में अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो डेविड वार्नर, अक्षर पटेल, डेविड वार्नर आज के मैच में खेल सकते हैं, इंपॉर्टेंट गेम है। वहीं अगर हम टॉप बॉलर्स भी देख लेते हैं विजय कुमार विशेक और मोहम्मद सिराज बेंगलोर की तरफ से, कुलदीप और अक्षर पटेल यहाँ पे आपको दिखेंगे टॉप बॉलर्स की तरफ से यहाँ पे दिल्ली की तरफ से। वहीं अगर हम प्लेइंग इलेवन भी आप देखना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो विराट कोहली, प्लेसिस, विल जैक्स, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक, स्वप्निल सिंह बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं विराट कोहली के लिए। और जब से इनका टीम में एंट्री हुई तब से ही इनके जो विनिंग का रेशियो है, जो विनिंग मोमेंटम है वो स्टार्ट हो चुका है। करण शर्मा, एम सिराज और यश दयाल यहाँ पे दिखेंगे। अगर हम दिल्ली की बात कर लें जे फ्रेशर मैकगर्क, पृथ्वी शाह, अभिषेक पोरेल, साई होप को ड्रॉप करके यहाँ पे वार्नर को खिलाया जा सकता है, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टेप, गुलबदीन नईब, रसिक डारसलाम, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशान शर्मा, ये आपको यहाँ पे दिखेंगे दिल्ली की तरफ से। अगर हम हेड टू हेड की बात कर लेते हैं टोटल दो मैच खेलेंगे जिसमें से बेंगलोर को एक मैच में और दिल्ली को एक मैच में जीत मिला है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ स्टैट्स का तो विराट कोहली यहाँ पे टॉप रन गेटर हैं 3382-40 के एवरेज से चेन्नई स्वामी स्टेडियम। वहीं डुप्लेसिस भी एक लिमिटेड 681 रन बनाए हैं 48 की एवरेज से। डेविड वार्नर ने इस वेन्यू पर अच्छा परफॉर्म किया है 489 रन बनाए हैं 55 के एवरेज से। वहीं अगर हम बात करें अक्षर पटेल और करण शर्मा ने भी पॉइंट अर्न किए हैं, मतलब दोनों ने मिलकर, तो ये यहाँ के स्टार्स रहने वाले हैं। मतलब कि आप देख सकते हो विराट कोहली और चांस जो बन रहा है डेविड वार्नर भी टीम में खेल सकते हैं क्योंकि इस वेन्यू पे डेविड वार्नर का भी रिकॉर्ड अच्छा है और खासकर डेविड वार्नर आरसीबी के अगेंस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो माइट भी चांस है कि आज के मैच में डेविड वार्नर को खिलाया जा सकता है साई होप को ड्रॉप करके, क्योंकि साई होप का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं है।
आ जाते हैं हम टीम पे बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास विकेट कीपर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो तीन ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है। यहाँ पे दिनेश कार्तिक हो गया, अभिषेक पोरेल है और साई होप। तो पहले उन्होंने बताया कि यहाँ पे अभिषेक पोरेल और साई होप यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम अभिषेक पोरेल को सेलेक्ट कर ले रहे हैं अपनी टीम में। अगर हम बात करें ऋषभ पंत का, तो ऋषभ पंत टीम में अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि बात कर लेते हैं जो पिछला मैच खेला गया था उसमें स्लो ओवर रन रेट का चार्ज इन पे लगा था, तो इनको एक मैच के लिए बैन किया गया है आईपीएल कमिटमेंट द्वारा। तो इस वजह से ऋषभ पंत टीम में अवेलेबल नहीं है। अभिषेक पोरेल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एज अ विकेट कीपर। बैट्समैन सेक्शन में आए थे, यहाँ पे विराट कोहली इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पहले ही मैंने आपको बताया। टेस्ट सब अहम रोल निभाएंगे क्योंकि आज के मैच में ऋषभ पंत टीम में अवेलेबल नहीं है, तो टेस्ट सब इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं दिल्ली तरफ से, इस वजह हम इनको सेलेक्ट कर रहे हैं। दो प्लेसेज को आज के मैच में हम ड्रॉप कर रहे हैं, फैसल मैगर को सेलेक्ट कर रहे हैं, रजत पाटीदार का इंपॉर्टेंट प्लेयर है। पृथ्वी शॉ अगर खेलेंगे तो इनको अपनी टीम में रखेंगे, यहाँ पर डेविड वार्नर का भी अभी खेलने का चांस नहीं, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो इनमें से दोनों में से किसी एक प्लेयर को अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं। एम लोमरोर को हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। वहीं आगे चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, हमारे पास अक्षर पटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, कैमरून ग्रीन, बिल जैक्स और यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को हम ड्रॉप करके चल रहे हैं। स्वप्निल सिंह इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं आपके। आज चार ऑलराउंडर यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। बॉलिंग सेक्शन में जाते हैं, इन पर दो हमारे पास ऑप्शन है, तो दो में से एक तो कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम में आपको रखना है। यहाँ देखिए ऑलराउंडर में हमने ऑलरेडी बेंगलोर के तीन रखे हुए हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे बॉलिंग में एक प्लेयर हम ऐड कर सकते हैं, चाहे मुकेश कुमार को ऐड कर सकते हो या खलील अहमद को, तो यहाँ पे हम मुकेश कुमार को ऐड करते हैं। एक बार चलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं, फिर प्रीव्यू करते हैं टोटल टीम पे। सबसे पहले बताते हैं आप कैप्टन का जो हमारा ऑप्शन है विराट कोहली, आप देख रहे हो 54% लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो भाई आज के मैच बताता हूँ, विराट कोहली आज के मैच में फ्लॉप होने वाले हैं, और विराट कोहली आज के मैच फ्लॉप होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 54% लोगों ने इनको सेलेक्ट किया है, तो भाई एक तरफा यहाँ पे विनिंग करने वाले हो आप अगर आज विराट कोहली फ्लॉप होते हैं। और जो प्रेडिक्शन मेरा है कि विराट कोहली आज के मैच में फ्लॉप होंगे। कैप्टन की बात कर ले तो आज के मैच में हम कैप्टन यहाँ पे विल जैक्स को, और वाइस कैप्टन की बात कर लें तो वाइस कैप्टन आज के मैच में हम यहाँ पे जे फ्रेशर मैगर को बना रहे हैं। प्रिपेयर करके एक बार देखिए कैप्टन हमने इसलिए विल जैक्स को बनाया है क्योंकि तीन नंबर पर खेलने आते हैं, और जो प्रोडक्शन हमारा शो कर रहा है कि आज के मैच में अगर विराट कोहली फ्लॉप होते हैं तो लगभग जो जिम्मेदारी आएगी विल जैक्स के ऊपर आएगी। विल जैक्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कैप्टन स्वप्निल सिंह को भी दे सकते हो, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे कैप्टन विल जैक्स को दे रहे हैं। विल जैक्स या आप कैमरून ग्रीन को भी कैप्टन का ऑप्शन दे सकते हो। विल जैक्स कैप्टन, वाइस कैप्टन फ्रेशर मैगर। तो प्रीव्यू करके देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से टीम क्रिएट हुई है। हम यहाँ पे विराट कोहली को टीम में रखे हुए लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि माइट भी चांस है कि आज के मैच में विराट कोहली फ्लॉप हो सकते हैं। आप देख सकते हो जो टीम क्रिएट हुई है, अभिषेक पोरेल को मैंने वाइस कैप्टन बनाया, अभिषेक पोरेल को मैंने विकेट कीपर सेलेक्ट किया है। ऋषभ पंत टीम में अवेलेबल नहीं है, सोच हमने अभिषेक पोरेल का रखा हुआ है। विराट कोहली हो गए, ट्रिस्टन ऋषभ हो गए, जे फ्रेशर मैकगर्क हो गए, रजत पाटीदार, अक्षर पटेल, कैमरून ग्रीन, विल जैक्स, स्वप्निल सिंह और कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ये टीम रहने वाली है। कैप्टन हमारे विल जैक्स हैं और फ्रेशर मैगर के यहाँ पे वाइस कैप्टन है। तो बताते हैं जो भी टीम यहाँ पे क्रिएट हुई प्रॉपर मेगा कॉन्टेस्ट की टीम हुई है। आपको पहले ये भी बताते होंगे ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम का अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल गया, फटाफट जाके वहाँ पर टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है। दोस्तों बताएं थोड़ा सा आपको वेट करना है, जैसे लाइनअप आउट होता है, लाइनअप आउट होने के 5 से 10 मिनट बाद टीम से रिलेटेड कोई अपडेट होता है, कैप्टन वाइस कैप्टन कोई चेंजेस करने होते हैं, इसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। और अगर आपने अभी तक माई इलेवन सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उसका भी ऐप आपको टेलीग्राम चैनल उस पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा, वहाँ पर जाकर फटाफट आपको माई इलेवन सर्कल ऐप डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग करने वाले हो यहाँ पर डेली विनिंग करके।